नमस्ते साथियों, आज हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। तो आपको यहाँ देखना है कि आपको सिर्फ पानी का पर्यायवाची याद करना है, तो आपको तीन जो शब्द है उसके पर्यायवाची याद हो जाएंगे, है ना। फिर पर आपको किसके याद करना है, पानी के, उसके साथ में आपको तीन के याद हो जाएंगे। कैसे? तो पानी का संबंध समुद्र से भी है, बादल से भी है, कमल से भी है ना। क्योंकि पानी को जो मतलब पूरा पानी जहाँ सबसे ज्यादा भंडार होता है पानी का, वह क्या होता है, समुद्र होता है। और बादल क्या करता है, पानी को देता है, और कमल पानी में जन्म लेता है। तो तीनों का संबंध है पानी से, इसलिए पानी के जो पर्यायवाची शब्द है उससे ही मिलकर क्या बनेंगे, समुद्र, बादल और कमल के पर्यायवाची बनेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे कि जल है, तो आपको क्या करना है, ये जल ये हो गया। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि समुद्र का अगर बनाना है तो इसमें क्या जोड़ना है, आपको पानी के पर्यायवाची में क्या जोड़ना है, धी। अगर धी जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, वो आपका समुद्र का। अगर से बादल की इसमें अगर आपने क्या द द जोड़ दिया है ना, कि देने वाला, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, जल की इसमें आपने द जोड़ा तो बादल का बन जाएगा पर्यायवाची। और कमल के इसमें आपने ज जोड़ दिया है ना, मतलब कि ये पानी के पर्यायवाची में अगर आपने ज जोड़ दिया तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, वो कमल का। जैसे यहाँ पे देखेंगे जल है ना, और ये क्या हो गया, अंबु। अभी हम जैसे का ऐसे लिख लेते हैं पहले, फिर देखेंगे, है ना। ये हो गया वारी, ये क्या हो गया आप, अरे क्या हो गया पयह, अरे क्या हो गया नीर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें धी जोड़ते हुए चलना है। तो देखो यहाँ पे जल धी कर दिया तो अभी किसका पर्यायवाची बन गया, समुद्र का बन गया। अंबु में क्या कर देंगे, अंबु धी हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी धी जोड़ देंगे। ठीक है, वारी में भी धी। ठीक, आपने आपने जब धी जोड़ेंगे तो इसमें संधि हो जाएंगी, एक पा किसमें बदल जाएगा, ब में। जब आप संधि पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब्धि हो जाएगा। और यहाँ भी क्या है, विसर्ग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, संधि हो जाएंगी, ये क्या बन जाएगा, पयोधि। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, निर्धि। देखो आपने सिर्फ जो पानी है उसके पर्यायवाची में आपने धी जोड़ा तो किसके पर्यायवाची मिल गया, आपको समुद्र के पर्यायवाची मिल गया। ठीक है, वैसे आप क्या करना है, बादल, बादल के इसमें देखेंगे, इसमें भी लिख लेते पहले जल का पर्यायवाची पूरे जैसे के वैसे, जल, अंबु, तोय, वारी, और ये क्या हो गया आप, और ये पयह, और ये हो गया नीर। ठीक है, अब इसका देखेंगे, अगर बादल के पर्यायवाची बनाना है तो क्या करना है, इसमें द जोड़ते चलना है ना। ठीक है, द जोड़ दिया तो जल किसका बन गया, बादल का, अंबुद बादल का हो गया, ये हो गया द, है ना। यहाँ भी द जोड़ दो आपने, अब क्या यहाँ पे द जुड़ेगा तो ये क्या किसमें बदल जाएगा, संधि होंगी तो ये ब में, तो ये क्या आ जाएगा, अब्द। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, संधि हो जाएंगी, ये हो गया पयोर, यहाँ क्या जाएगा, निराद। ठीक है, अब वैसे देखेंगे कमल का, तो पहले लिख लेंगे जल के, पानी के, है ना, जल, अंबु, तोय, वारी, आप, पयाह और नीर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी ज जोड़ते हुए चलना है ना, सब में क्या करना है, ज जोड़ना है ना, ये ज जोड़ते हुए चले। ठीक है, सब में ज लगा दिया तो किसके बन जाएंगे, ये यहाँ पे क्या होंगे, संधि होंगी तो ब में बदल जाएंगे। ठीक है, तो क्या जाएंगे, कमल के बन जाएंगे पूरे, ये क्या आ जाएगा, पयोद हो जाएगा, यहाँ भी ज जोड़ गया है ना। इस प्रकार से पानी के याद करना है तो आपको किसको लेंगे, समुद्र, बादल और कमल के। ठीक है, धन्यवाद।